स्टूडेंट्स पहले ये बताओ, आपको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम, यस ठीक है मैम। ठीक है। तो आज हम करेंगे आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल बार पेंडुलम का था, जिसके अंदर सभी बच्चे कनेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर उसका सेशन उनका ग्रुप का रखा गया था, तो इसीलिए उनका उनके जो वाइवा के क्वेश्चंस मैंने पूछे वो सेटिस्फाई नहीं हुई मैं उनसे। साथ में जो जिनका कल था, ठीक है, उन्होंने भी अच्छे से आंसर नहीं किए थे, इसीलिए इसके बाद आपका अभी जो इम्पीडेंस वाला है, आपका इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट, ठीक है, इसके साथ में इस नेक्स्ट जो आपका रहेगा, कल तो नहीं, मैं कल का टाइम दूंगी आपको, ठीक है, बार पेंडुलम के लिए। आपका परसों बार पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके वाइवा के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इम्पीडेंस का प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इम्पीडेंस का मतलब क्या होता मैम है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करें बेटा? मैम इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट, पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कर रहे हैं मैम, इन सीरीज रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलेंगे सर्किट की। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप क्या करते हो बेटा? या मैम इसमें हम एसी एसी की सर्व को कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम कैपेसिटेंस का भी यूज करेंगे, और ये रेजिस्टेंस का भी। इसका मतलब हम पहले अपना इफेक्टिव आपका इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर हम अपने कनेक्शन में लेके चलेंगे तीनों आपके LB, CB एंड RB, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस को, तीनों को सीरीज में लेके चलते हैं, राइट? और फिर क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, इनका इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना? फिर उसके यस बाद अब अगर यही तीनों कनेक्ट हमें करने थे, तो या तो ये तो एक ही इम्पीडेंस उसमें दे रहा है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का जो आपका मेन एम है वो क्या है? इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट, और इसका वेरिफिकेशन भी तो है। फिर वेरिफिकेशन आप किससे कर रहे हो? अगर इसी चीज से LCR को सीरीज में कर रहे हो, तो इससे तो आपका एक इम्पीडेंस आया, तो क्या इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे आप इसको कैलकुलेट करोगे? फिर वेरिफिकेशन किससे कर रहे हो? मैम, फॉर्मूला यूज करके जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर माइनस इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर का स्क्वायर रूट। फिर अगर वेरिफिकेशन कौन से वाला आपका, ये वाला आपका, आप कौन से उसकी वैल्यू कर रहे हो? आप जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस में एक्सएल माइनस में एक्सी का होल स्क्वायर से आप इसको वेरिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, या सिंपल पहले इसकी कैलकुलेट सबसे कर रहे हो सारी रीडिंग्स, और फिर जो आपने पहले जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया उससे वेरिफिकेशन करेंगे कर रहे हो? मैम, एक बार तो तीनों को साथ मिलेंगे, रेसिस्टेंस, इंडक्टिव हाँ रेसिस्टेंस और कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। फिर दूसरी बार हम इनको मतलब इंडिविजुअल लेंगे, फिर ठीक कैलकुलेशन। है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिससे कि हम वेरीफाई कर सके कि प्रैक्टिकली जो हमने निकाली है और थ्योरेटिकली जो निकलती है वो कितना डिफरेंस है उनके अंदर, एरर भी फाइंड आउट कर सके। यस ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जैसे बार पेंडुलम था उसकी हमने टेबल की थी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो हमारे पास पूरा सर्किट है, तो मुझे ये बताओ इसके कनेक्शन कैसे हैं। और आप ये भी बताओगे मुझे कि जो आपका वोल्टमीटर और मिली एमीटर यहाँ पे यूज किया हुआ है उसका लिस्ट काउंट कितना है? आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 है मैम उसका लिस्ट काउंट, कितने का है? 0.1। 0.1। 0.7 के बीच में 10 डिविजन्स, हाँ तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपका करती मतलब जैसे यहाँ पे तो आपका 0.1 से लेके 1 से 0 से 1 के बीच में आपका, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से 1 के बीच में आपका 1 का डिफरेंस है एंड 10 डिविजन्स थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिविजन्स को इंक्रीज कर देती, मैं डिविजन को इंक्रीज कर रही हूँ और मैंने डिविजन 10 की बजाय 20 ले लिए, फिर तो मैम 1 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो वो जीरो लिस्ट पॉइंट काउंट आ टू जाएगा। यस मैम, कितना आ जीरो पॉइंट जाएगा? टू
0.05 0.05 इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा, है ना। yes, yes, अब आप yes, इसके अंदर देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है। आप ये बताओ कि जब ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो एलसीआर के कनेक्शंस बताओ, और जब आप दूसरी जो आप फॉर्मूला बता रहे हो, आई थिंक ये वाला फॉर्मूला बता रहे हो आप इसके अंदर, इम्पीडेंस वाला, राइट, ये वाला है ना। यस मैम। और मेन का करते हो तो आप सीधा आपका जेड रिफ्रैक्टिव का मुझे बता दो, उसकी कैलकुलेट करो। सॉरी है, जब जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पुट अप करती हूँ, आप उस टाइम अपने आप को अनम्यूट करके और फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए कनेक्शंस क्या क्या रहेंगे। और जो सिंपल आप बोल रहे हो कि मैम एक बारी हम तीनों को सीक्वेंस में कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तब आपके कनेक्शंस कौन कौन से रहेंगे, मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगी, वो मुझे बताएगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्शंस तो आपको बताए हुए हैं मैंने। यस मैम। फर्स्टली आरजू, आरजू है यहाँ। यस मैम। बेटा अपना करो और एक्सप्लेन करो कि आप सिंपल एलसीआर को जब सीरीज में रखते हैं तो आपके कैसे इसके कनेक्शंस रहेंगे, सर्किट आपके सामने है। अगर आप चाहते हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख भी जाए। इसमें एक मिनट, क्लियर है अभी? यस मैम। आपको यस मैम हो रहा है शो? ठीक है, बताइए बेटा। सबसे पहले जो एसी वायर लेंगे उसको एसी सोर्स में डालेंगे और उसको गैल्वेनोमीटर कहाँ है बेटा इसमें? मैम इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे एक उसको, फिर बाद में मतलब वोल्टमीटर के अंदर वायर डालेंगे और फिर उसको एल जो इंडक्टर है उसके अंदर डाल देंगे, फिर इंडक्टर को रेजिस्टर को और कैपेसिटर को तीनों सीरीज में कनेक्ट करके, और फिर सॉरी वोल्टमीटर को मतलब नहीं एमीटर में डालेंगे और फिर एमीटर से हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, देन फिर एक जो लास्ट वायर होगी रेजिस्टेंस वाले में उसको हम वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर नो बेटा नो, गलत, रॉन्ग है, रॉन्ग है। यशिका, यशिका एलसीआर तीनों जब सीरीज में होते हैं तब क्या कनेक्शंस रहते हैं बेटा बताओ। मैम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे फिर वोल्ट मीटर मतलब कि डबल साइडेड वायर लेके उसमें डालेंगे और फिर वहां से इंडक्टर में डालेंगे, इंडक्टर से कैपेसिटर में रेजिस्टर से रेजिस्टर तक, फिर रेजिस्टर से जो एंडिंग पॉइंट है उसमें, रेजिस्टर से एंडिंग पॉइंट पे जाएगा। फिर तो आपने एमीटर का तो यूज ही नहीं किया, एमीटर का यूज करा हुआ। फिर हम करंट जो आपने ये टेबल बोली है बेटा, नेक्स्ट वाली ये वाली टेबल, इसमें तो ये भी कह रहा है कि करंट की भी वैल्यू आती है, ये तो ये शो कर रहा है। फिर आप करंट की वैल्यू कहाँ से बताओगे? अगर आपने तो जस्ट ये कहा है कि आपने यहां से ये जो आपका था सोर्स, इससे आपने इसको वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ सारी चीजें कनेक्ट कर दी और इसका एंडिंग पॉइंट आपने दोबारा से इसको दे दिया, फिर यानी कि ये बेचारा तो बच गया, करंट तो बच गया, ये कोई वैल्यू नहीं देगा इसका मतलब। अगर हम ये जो कनेक्शंस थे इसके, आपके रेड एंड ब्लैक जो आपके हॉल इसमें दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं जाएगा। अगर कोई कनेक्शन नहीं हो रहा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट ये जो अपना मिली एमीटर लगा हुआ ये तो कोई शो नहीं करेगा वैल्यू, फिर आप वैल्यू कैसे लगाओगे इसकी? हाँ, कैसे वैल्यू लगाओगे फिर? नेक्स्ट प्रियांशु। यस मैम। बेटा इसको करेक्ट करो, कैसे इसने बताया है और क्या इसने गलती करी है उसको करेक्ट करके बताओ। मैम पहले हम सोर्स का इनपुट वोल्टमीटर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे और क्या? फिर सोर्स का इनपुट वोल्टमीटर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। हाँ,
और फिर सोर्स का आउटपुट इंडक्टर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। बेटा सोर्स का आउटपुट कनेक्ट करोगे इंडक्टर से? यस मैम। नो, नेक्स्ट कौन इसको सही बताएगा? मैं बताऊं मैम, मैं बताऊं मैम, मैं बता देती हूं, मैं बताऊं मैम। अभी देखते हैं कौन कौन यस कर रहा है, फिर उनमें से बताओ। अब बताओ कौन कौन हैंड रेस करो बेटा। यस मैम। ठीक है, मैं इस चीज के लिए लेके चलती हूँ हिमांतिका। हिमांतिका हिमांतिका आर यू देयर बेटा? हिमांतिका अदिति? यस मैम। हिमांतिका और अदिति? मैम अदिति। अदिति अदिति इसको करेक्ट करो बेटा कनेक्शंस को। मैम सबसे फर्स्ट तो सोर्स का जो एक एंड होगा उसे हम वोल्ट मीटर के एक एंड से कनेक्ट करेंगे। आप मुझे क्लियर करो वन एंड जो बोल रहे हो जहाँ पे मैम जो ये फर्स्ट एंड है, नहीं ये वाला कर्सर नहीं ये वाला। हाँ जी मैम। इसके इस रेड इससे कनेक्ट करेंगे हम वोल्ट मीटर के, ये जो हमें रेड वाला दे रखा है ना इससे। ठीक है, फिर मैम जो हमारा सोर्स का जो ये दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे। यस मैम। इसको हम कनेक्ट करेंगे इंडक्टर के इनपुट में। ठीक है, और फिर मैम इंडक्टर के आउटपुट को हम ये कैपेसिटर के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मैम ये कैपेसिटर के आउटपुट को हम रेजिस्टेंस के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मैम जो हमारा ये रेजिस्टेंस का आउटपुट है ना इसको हम ये हमारे एमीमीटर के रेड वाले एंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और मैम जो अब हमारे वोल्टमीटर और एमीमीटर के दोनों ये ब्लैक वाले जो ये बच गए हैं, हाँ, इनको हम ये जो हमारे जो नीचे दो ब्लैक हैं इनसे कनेक्ट कर देंगे। ओके वेरी गुड। ठीक है, सभी को कनेक्शन समझ में आए या मैं रिपीट करूं? यस मैम आ गए आ गए हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पहले मैं नाम देख लेती हूँ, नाम के कोरस्पॉन्डिंग आपसे पूछे जाएंगे कि किसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा। रूबी रूबी यस मैम। बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, इसके बाद रीमा का नंबर है, रीमा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर ये रिप्लाई नहीं करती तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है रीमा, क्वेश्चन है रूबी के लिए एंड रीमा के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन है। जैसे मुझे अभी अदिति ने बताया नाम एक जो सोर्स का एक ही नाम है, क्या क्लियर आवाज नहीं आ रही? यस मैम। रूबी आप म्यूट कर लो, माइक इज ऑन। शायद रूबी के घर से ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। यस मैम। यस मैम। किसी और से पूछते हैं, अंकुश एंड रीमा। रीमा आप हो वहां, सुन पा रही हो हमें? रीमा ने हैंड रेस किया हुआ है। रीमा यस मैम। बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। यस मैम। अंकुश एंड रीमा आप दोनों के लिए क्वेश्चन है। यस। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है मेरा, जैसे इन्होंने बताया अदिति ने कि एक ये वाला जो हॉल है इसको इन्होंने इससे कनेक्ट किया, यानी कि जो सोर्स का इनपुट है वन इनपुट ऑफ सोर्स उसको कनेक्ट किया है उन्होंने वोल्टमीटर के फर्स्ट इनपुट से। ठीक है, और जो अपना सेकेंड वाला टर्मिनल था उसको इंडक्टर के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था। आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं इस वाले टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर देती और इस वाले टर्मिनल को नीचे वाले इससे कनेक्ट कर देती तो क्या डिफरेंस आता? नो मैम। नहीं आता? नो मैम। यस मैम। अंकुश ने यस किया है, बेटा कैसे डिफरेंस कैसे आएगा अंकुश? बताओ, अब आपने यस किया है तो यस वाले बताओ, रीमा ने नो किया है कि कोई डिफरेंस नहीं आता, हम कोई भी टर्मिनल को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, तो आप मुझे बताओ
How can you use any terminal for this purpose? बताओ बेटा, यस वाले यस के लिए बताओ, नो वाले के लिए नो के लिए बताओ। आपने यस किया है तो आप अपने लिए बताओ ना कि आपने यस क्या सोच के किया है, एंड जिन स्टूडेंट्स ने नो किया है वो अपने नो के लिए बताओ कि आपने नो कैसे किया है। नहीं बता सकते? नहीं है कोई भी आंसर आपके पास? खुशी, खुशी भारद्वाज? यस मैम। बेटा इन्होंने, दो जनों ने आंसर बताए हैं और दोनों ने दोनों ही आंसर बताए हैं, एक ने यस किया है और एक ने नो किया है। मैम कर सकते हैं कोई भी कनेक्ट, कोई भी टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं? यस मैम, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोर्स तो मैम दोनों के लिए सेम ही जा रहा है, तो इसे किस कोई भी टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं। यस हाँ, I have a question. आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो टर्मिनल है इनको इंटरचेंज किया है या फिर आपने ये जो इनपुट है एसी सोर्स का इसको डीसी रेजिस्टेंस से किया है? क्योंकि जब मैंने ये कहा है कि इन्होंने ये बोला था कि जैसे ये मैंने इसके ऊपर कर्सर किया था और अदिति से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं अदिति को ये कह रही थी कि अदिति इस वाले टर्मिनल को कनेक्ट करना है, तो अदिति ने कहा नहीं मैम इस वाले को करना है। कर्सर दिख रहा है ना आपको? Yes, ma'am. कौन से वाले रेड के ऊपर है? तो अदिति ने मुझे कहा कि मैम इस वाले टर्मिनल को ही कनेक्ट करना है इससे, और ये वाला जो टर्मिनल है उसको इन्होंने इससे कनेक्ट करवाया था, नीचे वाले पे मैंने कर्सर किया था तो वो बोली नहीं मैम इस पे करना है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इसको जैसे उन्होंने इससे कनेक्ट किया तो मैं इसको इससे कनेक्ट करना चाह रही थी, और जो सोर्स इन्होंने ये वाला इससे कनेक्ट करवाया था तो मैं इसको इससे कनेक्ट करवाना चाह रही थी, तो क्या मैं कर सकती थी कि नहीं? ये क्वेश्चन था बेटा मेरा। ओके मैम, तो इसको हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों सोर्स के हैं और ये दोनों की दोनों आपके इंडक्टर के इनपुट के हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम कोई भी टर्मिनल को यूज कर सकते थे, एंड सिमिलरली वे में आपका ये दोनों ही किसके हैं, आपके इनपुट के लिए हैं, तो दोनों में से आप कोई भी सोर्स का इनपुट के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है ये टेबल। अब आप मुझे ये बताओ इसके अंदर वोल्टेज, जो हमने ये नॉब ली है बेटा, यहाँ ये नॉब है आपकी, इस नॉब को जब हम वैरी करवाते हैं तो वोल्टमीटर में चेंज आ रहा है फर्स्टली, आप फर्स्टली एमीटर की रीडिंग्स यानी कि करंट में चेंज बता रहे हो पहले, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर में चेंज बता रहे हो, या वोल्टमीटर को चेंज कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को चेंज कर रहे हो? मैम हम करंट को चेंज करते हैं, वोल्टमीटर को चेंज कर रहे हैं, वोल्टमीटर में करेंगे। हाँ, करंट को चेंज कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका वोल्टेज के अंदर चेंज आ रहा है वो हम नोट कर रहे हैं, ठीक है? अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो आपने ये बता दिया कि एलसीआर के अंदर जब आपने तीनों को इकट्ठा, यानी कि जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था ये वाला कनेक्शन जो था आपका, आपने एज इट इज इसको परफॉर्म किया, राइट? इसी को ही किया ना, जो सोर्स है ये वोल्टमीटर है, ये आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ठीक है? आपने इसको इससे कनेक्ट करवाया था, सिमिलर वे में आपने सोर्स को ही वोल्टमीटर से कनेक्ट करवाया था और इंडक्टर की इनपुट से, और इंडक्टर की आउटपुट आपने कैपेसिटर की इनपुट दे दी थी और कैपेसिटर की आउटपुट आपने रेजिस्टेंस के इनपुट बना दी, फिर आपका जो रेजिस्टेंस का आउटपुट है आपने उसको एमीटर के फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव इनपुट को दे दिया, और एमीटर जो आपका करंट का आउटपुट है उसको आपने सोर्स के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट ये है कि अगर आप ये दूसरे वाला, ये वाला करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आपका पर्पज है इस तक पहुंचना, तो इसकी रीडिंग्स कैसे लेके जाओगे वो मुझे बताओ। मैम तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे, पहले तो सिर्फ इंडक्टर के लिए निकाल लेंगे, हाँ, फिर उसके बाद उसको हटा के और कैपेसिटर के लिए निकालेंगे सिर्फ, और फिर लास्ट में रेजिस्टेंस के लिए निकाल लेंगे सिर्फ, ठीक है, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारी रीडिंग्स आ जाएंगे, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सभी को कनेक्शन समझ आ गया आई थिंक, है ना? यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे, अच्छा ये मैंने ये लिखा हुआ है L+R, क्या मतलब है भाई इसका?
खाली जब ये सी भी आपने मैम कॉइल का रेजिस्टेंस इसीलिए हम क्या करते हैं इनिशियल तो इसको दिखा रहे हैं लेकिन जब फाइनल के अंदर जब फॉर्मूले में एक्सेल पुट करते हैं इसको रिमूव भी करते हैं है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बाद में इसको रिमूव भी करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे ये आर क्या है तो आप क्या बताओगे कि इंटरनल जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ रहा था हमने उसको कंसिडर किया हुआ है और लास्ट में पूरा इसका जो जैसे यहाँ पे है सिंपल रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो और इसका भी रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस ये कंबाइन होके आ गया है ना। और यहाँ पे उस चीज को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें ओनली ये एक्सेल क्या है बेटा यहाँ मैम इंडक्टर के रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ठीक है। अच्छा अब फिर इसके बाद हम ये वैल्यूज इसके अंदर अच्छा ये फिक्स तो नहीं है ना वैल्यूज की नो मैम पक्की बात है यस मैम यस मैम ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आते हैं रुको मैम जो हमने स्मॉल आर एल के अंदर ऐड किया था वो हमने सी और आर के अंदर क्यों नहीं ऐड किया क्योंकि वो नहीं दिखा रहे बेटा कॉइल जो है उसके साथ में क्या होता है वहां पे कॉइल एक वायर लेके चल रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ क्या करता है इंक्रीज होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के साथ क्या हो रहा है वहां पे इंक्रीज करता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आएगा वहां पे रेजिस्टेंस ही आएगा और रेजिस्टेंस के साथ वाला जो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत उसमें आता है वो तो हम दिखा ही रहे हैं और जो कैपेसिटर है वो तो जस्ट प्लेट्स यूज कर रहा है जी है ना स्टोरेज के लिए हम वही लेके चलते हैं। यस मैम थैंक यू ओके करें अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। वैसे तो आप देख लोगे जल्दी जल्दी ऐसा मुझे लगता है बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज रेजिस्टेंस मैम इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट इज नॉन रेजिस्टेंस करके बोलो ना मैम ओपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है करंट के अपोजिट में करंट के फ्लो को करंट को अपोज जो करता है उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जिसको नहीं पता वो यहाँ से देख सकता है ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आ जाओ भाई आ गया बताओ। अब आप यू सोच रहे होंगे कि इन्होंने इंपीडेंस वाले के साथ रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसके अंदर ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किए कोई बता सकता है क्योंकि इनके सीरीज कॉम्बिनेशन से इंडक्टेंस निकाल रहे हैं क्योंकि एलसीआरसी क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है इसीलिए हमारे वाइवा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इन तीनों की जानकारी भी होनी चाहिए ठीक है। बताओ मुझे इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मतलब अपोज करती है करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है जो कि पास हो रहा होता है कंडक्टर से ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है कि जो रेजिस्टेंस हम इसके अंदर यूज करते हैं जिस भी मटेरियल का तो कौन कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हैं बेटा मैम मैग्नेटिक और कांस्टेंट। अच्छा ये कैसे होते हैं खाली मेटेलिक होते हैं या अलॉय होते हैं अलॉय होते हैं मैग्नीन किस किस चीज का बना होता है कॉपर मैंगनीज और निकल और कंसेंटेंट निकल और कॉपर ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द वोल्टेज व्हेन करंट थ्रू द इंडक्टर इज कांस्टेंट अगर मैं वोल्टेज जीरो जीरो हो जाएगी मैम वोल्टेज जीरो हो जाएगी मैम वोल्टेज बिकम जीरो ठीक है। अच्छा कैपेसिटर क्या होता है वो भी बता दो लगे हाथ
चार्ज स्टोर करता है जो ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज व्हेन करंट इज जीरो? मैम वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी. वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी. यस मैम. ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने मेन उस पे. पहले रुको, अब यहाँ से एक एक बच्चे से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपके नेम के अकॉर्डिंग पूछते हैं. ठीक है, कितने रह गए? मंजू, मंजू. यस मैम. मंजू कनेक्ट. हाँ बेटा, करंट की क्या यूनिट होती है? अमीशा ने हैंड रेस किया है. मैम एम्पियर. एम्पियर होती है, राइट. चार्ज की क्या यूनिट होती है? गुलाम होती है. अच्छा, इंडक्टर की? हेनरी. इंडक्टर की ओम. किसने बोली इंडक्टर की ओम होती है? हेनरी होती है. हेनरी होती है. ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की होती है. कैपेसिटर की? कैपेसिटेंस की क्या यूनिट है? फैराड. फैराड. फैराड नहीं, फैराड. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, हमारे पास जो इंडक्टर होता है, ठीक है, आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा, इंडक्टर के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, राइट? आता है ना? यस मैम. यस मैम. तो इन दोनों की यूनिट क्या है? मैम हेनरी है. हेनरी ही है. हेनरी है, सेम ही होगी. मैम हेनरी. सेम ही. पक्की बात है? यस मैम. यस मैम. क्या भाई, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि जो आप बार बार यहाँ पे एक्स सी और एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, राइट? और एक्सेल को आपने बोला है कि ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है. ये बोला है ना एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस. यस मैम. यस मैम. यस मैम. तो इसका फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन है? बहुत बढ़िया. जिसका नाम ले रहे हैं वो बताएगा. तान्या, आर यू देयर? तान्या. यस मैम. बेटा एक्सी क्या है? क्या मैम? एक्ससी. एक्सी कैपेसिटिव रेसिस्टेंस. अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है तान्या? क्या मैम? एक्सी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? एक्सी का एंगुलर, ये तो नहीं पता मैम मेरे को. ये नहीं पता? हैंड रेस करो बेटा जिसको भी पता है. मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मैंने हैंड रेस के लिए बोला था हमेशा. ठीक है, और कैपेसिटिव इंडक्टिव जो आपका आपने बोला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का कैसे होता है? डायरेक्टली या इनवर्सली? मैम इनवर्सली. इनवर्सली. इनवर्सली मैम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? यस मैम. यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस की क्या यूनिट है? ओम. अच्छा, इसमें एक एडमिटेंस भी तो होगा ना? एडमिटेंस भी तो रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स. यशिका, एडमिटेंस क्या होता है? मो भी है मैम. रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस. Reciprocal of impedance, correct. Pooja? Pooja Shyaran. Yes ma'am, reciprocal of impedance और इसकी यूनिट है महो भी कहते हैं, ओम पर ओम भी बोलते हैं. हाँ, पर ओम यानी कि ओम इनवर्स या फिर महो, दोनों में से कोई भी हम बोल सकते हैं. ठीक है,
अच्छा और क्वेश्चंस आपके लिए? ऑर्डिनरी एमीटर एंड वोल्टमीटर हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या एसी मेजरमेंट के लिए? नो मैम, नो मैम, नो मैम, ठीक है बस अब तो आप कर ही लोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो और क्वेश्चंस है मेन तो आपको वो सिखाना था इसके अंदर। अच्छा अगर एक और क्वेश्चन तक हो रहा है मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है कि अगर हम यू कह दे कि जो इम्पीडेंस है वो खाली मुझे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए आपके रेजिस्टेंस के तो क्या कंडीशन लगाऊं? एक्सएल और एक्सी को इक्वल कर दो मैम। एक्सएल एक्सी को इक्वल कर दे फिर क्या हो जाएगा? फिर जो फॉर्मूला होता है जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्सी तो एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला करेक्ट करो ध्यान से बोलो क्या बोल रहे हो? जेड इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट हाँ तो उसमें जो एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो जो जीरो हो जाएगा तो ठीक है अंडर द रूट आर स्क्वायर बच जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ठीक तो है सिर्फ आर रह जाएगा। ठीक है तो यानी कि हमें जो इम्पीडेंस मिलेगा वो ओनली इसके उससे मिल जाएगा हमें रेजिस्टेंस से मिल जाएगा सिर्फ रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टेंस से मिल जाएगा ठीक है भाई चलो और तो आप लोग कर ही लोगे ठीक है। नेक्स्ट आपका परसों के लिए रेडी रहिएगा परसों के लिए आपके पास इसी तरीके से कल हम इसको मैं आपको टाइम दे देती हूँ ठीक है मैम। बार पेंडुलम ही करवाओगे?